नमस्ते। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के बीच योगा एट योर डेस्क और हाउ टू रिलैक्स योर शोल्डर के ऊपर आज हम एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को देने जा रहे हैं। एक्चुअली अगर आयुर्वेद और योग का अगर गोल देखें तो उस गोल के बारे में एक सुंदर सी परिभाषा दी गई है आयुर्वेद में। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम, जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ योर हेल्दी पीपल इज द गोल ऑफ द आयुर्वेदा। फिर दूसरा है कि योग में है कि हेयम दुख मनागतम, मतलब फ्यूचर में कोई आपको सफरिंग ना आए, ये उसका गोल है। फ्यूचर सफरिंग से बचने के लिए हम योग करते हैं। तो आप सभी स्वस्थ हैं और स्वस्थ बने रहें, इसके लिए आज का वीडियो आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम आज के समय में क्या है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनका कंप्लेन होता है कि जब हम मेरे कंधे में दर्द होता है, नेक पे दर्द होता है, तो इसका एक रीज़न जो है नेक और कंधे के दर्द का, वो रीज़न है कि जब आप लंबे समय तक आप जब काम करते हैं तो काम करते करते स्वतः क्या होता है कि आपका ये शोल्डर स्विंग करने लगता है और जो स्कैपुला है वो आपके स्पाइन से दूर होने लगती है। जैसे जैसे वो दूर होती जाएगी एक टेंशन सा क्रिएट होगा जस्ट बिलो द नेक और ऑन द सर्वाइकल ऑन द शोल्डर। जब ये टेंशन क्रिएट होता है तो उसकी समस्या ये आती है कि फिर आपको नेक पेन का होना या हमेशा एक टेंशन बना रहना कंधे पे। तो इसको कैसे रिलैक्स करें? रिलैक्स करने के लिए आप तीन चीज़ का ध्यान रखें कि जब कभी आपको टेंशन आता है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे ब्रेथ का अल्टर हो जाना, हमारे माइंड में टेंशन। जैसे ब्रेथ आपका अल्टर हुआ, आपके माइंड पे टेंशन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको तीन आसन, सुलभ सरल आसन, ध्यान ये रखना है इस आसन को करते हुए कि आप अपने ब्रेथ और मूवमेंट को हमेशा अलाइन करके चलें। बेहतर हो यदि आप अपने सांस को एक संख्या में बांधिए, मीन्स कि यदि आप अगर सांस ले रहे हैं तो इनहेल शुड बी 4 सेकेंड, लाइक 1 2 3 4 इनहेल, 1 2 3 4 एक्सहेल, 4 maybe it's 3 डिपेंड अपॉन योर ब्रीदिंग कैपेसिटी। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसके लिए करना ये है कि आप अपने चेयर पे जहां आप बैठे हुए हैं वहीं आप बैठ जाइए कंफर्टेबल। जस्ट यू हैव टू लीव द सपोर्ट ऑफ योर बैक, सपोर्ट को छोड़ देना है, स्पाइन को सीधा रखना है। स्पाइन सीधा रखने के लिए आपको पहले तो शोल्डर को रिलैक्स छोड़ेंगे, चिन को नीचे करेंगे। अब ये पोजीशन है आपको, अब यहां से हमारा हाथ दोनों साइड में ऐसा हैंग कर रहा है। नाउ हम 4 सेकंड का इनहेल करते हैं, इनहेल टू इंटरलॉक द फिंगर्स हियर एंड टर्न योर पाम, देन आपको धीरे से एक्सहेल करते हुए एल्बो को बेंड करना है एंड यू हैव टू ब्रिंग योर पाम एट योर हाइंड हिप। फिर आपको इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, फिर एक्सहेल करते हुए धीरे से हाथ को नीचे गिरा देना है। इसको एक बार और हम करके दिखाते हैं आपको, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब ये जो मूवमेंट है इसको तारासन कहते हैं, ये तारासन का वेरिएशन है। इसको आप 4 बार या 6 बार आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा मूवमेंट है कि आपका हाथ सामने में होगा इन फ्रंट, चिन का पोजीशन ये रहना चाहिए ताकि ये जो बैक जो है ये आपका सर्वाइकल बोन है ये आपके स्पाइन से अलाइन हो जाता है। इनहेल, रेज द हैंड्स फ्रॉम द फ्रंट, हैंड स्ट्रेच्ड, नाउ यू हैव टू ड्रॉप द हैंड्स विद द साइड, एक्सहेल अगेन, इनहेल एक्सहेल, ड्रॉप द हैंड्स विद द साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू आर रेजिंग द हैंड्स फ्रॉम द फ्रंट सो यू हैव टू ड्रॉप द हैंड्स विद द साइड। फिर आपका दूसरा मूवमेंट है, तीसरा मूवमेंट है, दो मैंने बताया आपको, एक आपको साइड से हाथ स्ट्रेच करना है, हाथ को खींचना है, फिर आपको एक्सहेल करते हुए हाथ को ड्रॉप कर ऐसा बेंड करना है,
फिर इनहेल करके ऊपर ले जाना है, हाथ को नीचे ड्रॉप करना है। दूसरा है आपको सामने से हाथ को उठाते हैं सांसों के साथ, फिर धीरे से सांसों के साथ हाथ को बगल से ड्रॉप करते हैं। तीसरा मूवमेंट है एकदम स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर रिलैक्स रहेगा, कोई टेंशन नहीं है शोल्डर पे। इनहेल करते हुए चिन को ऊपर उठाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए धीरे से चिन को नीचे ड्रॉप करेंगे। इसको भी आप 4 बार या 5 बार करेंगे, और हर एक मूवमेंट को आप ब्रीदिंग के साथ कीजिए, मूवमेंट विद इन द ब्रेथ, और ब्रेथ को आप 4 सेकेंड या 3 सेकेंड जैसा भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको एक बिल्कुल एक फिक्स कीजिए। इससे एक तो होगा कि आपका माइंड भी अलाइन होगा, आपका ब्रेथ अलाइन होगा, आपका बॉडी अलाइन होगा, बॉडी का मूवमेंट अलाइन होगा, एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स। अगर आप ये आप कभी भी जैसे आपको मौका लगता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान दें, अगर किसी को शोल्डर का सीवर पेन है तो हो सकता है कि आपको हाथ उठाने में दिक्कत हो, तो ये जरूरी है कि यही आपके लिए सूट करेगा। मैंने पहले बताया है कि स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम, ये आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखेंगे ये हमारा गोल है। आप ये 3 आसन निश्चित रूप से प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि कोई समस्या हो निसंकोच हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।